न्यायालय परिसर में गत दिनों पुलिस कांस्टेबल के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर राजस्थान सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्यों ने वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आईजी और एसपी को ज्ञापन सौंपा और वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष भवर सिंह ने बताया कि ऑन ड्यूटी कांस्टेबल कोर्ट में किसी मामले में पेशी पर गया था और वकीलों द्वारा कांस्टेबल पर हमला कर दिया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्यों ने कहा कि अगर कानून के जानकार ही इस तरह कानून हाथ में लेकर किसी पुलिसकर्मी पर हमला करते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। जिला कलेक्टर पहुंचे इन लोगों का कहना था कि पूर्व में भी किसी कर्मचारी पर इस तरह ही वकीलों ने हमला किया था, ऐसे में वकीलों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो राजस्थान सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ उग्र प्रदर्शन करेगा। तारीख 10-6-22 को न्यायालय परिसर में पुलिस थाना फलासिया के कांस्टेबल करुणाराम मेघवाल के साथ में, जो कि ऑन ड्यूटी सरकारी पेशी पर आया हुआ था न्यायालय के बुलावे पर, अकारण उसके साथ न्यायालय में उपस्थित वकीलों द्वारा मारपीट की गई और जानलेवा हमला किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज है और 4 अभियुक्त नामजद हैं, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व में भी वकीलों के द्वारा ऐसे कार्य किए जा चुके हैं, लेकिन पुख्ता कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम राजस्थान पुलिस, राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संघ शाखा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज किससे मुलाकात की, आपने क्या मांग की? इस सिलसिले में हमारे सभी सदस्यों ने और सभी जिला अध्यक्षों ने मिलकर श्रीमान आईजीपी साहब से, एसपी साहब से, और अभी हम जिलाधीश महोदय से मिलेंगे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आगे के लिए कर्मचारी महासंघ के श्री शेर सिंह जी चौहान भी हमारे साथ में हैं, तो फिर और भी सारे कर्मचारियों को इससे जोड़ा जाएगा और आंदोलन को वृहत रूप दिया जाएगा। न्यायालय परिसर में इस तरह की घटना होना क्या मानते हैं आप? एक जज के सामने इस तरह का ये कानून की खिलाफत है और कानून के जानकारों द्वारा ऐसा करना और भी ज्यादा गंभीर मामला है। उनका आरोप है कि न्यायालय परिसर में बैठा पुलिसकर्मी शराब के नशे में था, तो क्या ऐसा आप मान सकते हैं क्या? न्यायालय में पेशी पर आया हुआ कर्मचारी सुबह सुबह दारू पी के आ जाएगा क्या? ये मानने योग्य नहीं है। और पिया हुआ था तो उसने क्या उनके ऊपर मारपीट तो नहीं करी? मेडिकल हो जाता, जाँच हो जाती या रिपोर्ट करते, आप खुद ही कार्रवाई कर रहे हो। कानून के जानकारों ने ज्ञापन दिया है कि भाई केस विड्रॉल किया जाए, तो इसको क्या मानते हैं आप? नहीं तो विड्रॉल किस लिए किया जाए? ये किसी निजी एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये सरकार के ऊपर और राज्य के ऊपर हमला है। ये कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है जो वो विड्रॉल कर दे या राजीनामा कर दे, ये राज्य के ऊपर हमला हुआ है, स्टेट के ऊपर, तो उस हिसाब से ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा संघ मांग करता है।